हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है उनके दिल में क्या है आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है आपको लेकर। ठीक है, चलें। प्लीज एंड स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के दिल में क्या है, मेरे व्यूवर को लेकर, मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में क्या है, सॉरी, मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में क्या है, मेरे व्यूवर को लेकर। प्लीज एंड स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में क्या है, मेरे व्यूवर को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में, मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में क्या है उनको आपको लेकर, आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर। लेट्स सी, ओके। आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन में नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई आप लोग के बीच नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, कम्युनिकेशन डाउन है, या तो लेस टू कांटेक्ट है। नाइन ऑफ सूट का कार्ड है, स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, फोर ऑफ फैंस, ओके। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर, ये पर्सन मैरिज के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, स्लोली बट श्योरली आपके लिए फिलहाल इस टाइम पीरियड पे ये पर्सन सोच रहा है कुछ मैरिज प्रपोजल बैलेंस करने का। अगर पास्ट में कुछ नेगेटिविटी थी तो नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है, नेगेटिविटी को छोड़ना चाहता है। मतलब कि इस टाइम फ्रेम पर अगर पास्ट में ये पर्सन लॉयल नहीं रहा है तो अब लॉयल होना चाहता है आपके लिए। ठीक है, सेवन ऑफ कॉइन्स यहाँ पे है, टेन ऑफ वैंड्स। ठीक है, टेन ऑफ वैंड्स, ठीक है। कुछ तो है आपके पर्सन के दिल में जो आपके पर्सन को परेशानी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट, ये पर्सन कमिटेड होना चाहता है आपके दिल, आपके लिए इस पर्सन के दिल में कमिटमेंट, एक मैरिज बैलेंस सोचता है। स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अब लग रहा है, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। क्लैरिफाई, नाइन ऑफ सूट यहाँ पे क्या है, ये आप अपनी पावर में, बहुत ज़्यादा पावर में, आप अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको कमिटेड पार्टनर के लिए देख रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा। स्लीपलेस नाइट है, कुछ खास है इस पर्सन ने पास्ट में किया नहीं है। इस पर्सन ने पास्ट कोई एक्शन आपके लिए क्लैरिटी वाले लिए नहीं है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हो रही है। मैं आप लोग के लिए चैनल मैसेजेस देख रही थी, उसको भी ले लेंगे। ठीक है, इस पर्सन ने पास्ट कुछ एफर्ट आपके लिए कुछ किए नहीं है, पास्ट में कुछ गड़बड़ी कर दिया, पास्ट कुछ नेगेटिव है जिसकी वजह से आपको अपनी वर्थ का अंदाजा हो रहा है। ठीक है, या आपके साथ आगे तो बढ़ना चाह रहा है, कमिटमेंट तो चाह रहा है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। नाइट ऑफ कॉइन के साथ बहुत स्लो स्लो बैलेंस की तरफ मूव कर रहा है। टेम्परेंस बैलेंस चाहता है, बैलेंस आउट है आपके कनेक्शन का, कम्युनिकेशन नहीं है। इट मीन्स बैलेंस क्या आउट है, कम्युनिकेशन भी बैलेंस नहीं है आप दोनों की। या आपको कमिटमेंट और बहुत ज़्यादा एक जैसे मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपको कंप्लीट ऐसे पर्सन की तरह देख रहा है, हाँ, जिसके साथ मैरिज की जा सकती है। क्लैरिफाई, सेवन ऑफ कॉइन्स मून, फेयरफुल सिचुएशन है, आपकी तरफ खुद मूव नहीं कर रहा, एक्शन आपकी तरफ से सीख कर रहा है। मतलब कि ये ख्वाहिश ऐसी कर रहा आपके है पर्सन चाह कि रहे हैं कि आप अपनी आपकी तरफ से तरफ कुछ, से कोई ना कोई एक्शन हो, आपकी तरफ से कोई ना कोई स्टेप लिया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक डीप इमोशंस ये पर्सन इस कनेक्शन में फील कर रहा है, डीपली इन डेप्थ कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इमोशंस फील कर रहा है, ये चाह रहा है कि अभी भी कनेक्शन स्टार्ट हो तो आपकी तरफ से हो, क्योंकि इतना बर्डन है, एक सोल बर्डन है। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा साइलेंट देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा जैसे मिच्योर देख रहा है, बहुत ज़्यादा आप हाईली इंट्यूटिव हैं। चाहे आप इस पर्सन का बैक ऑफ द स्टोरी वेट कर रहे हैं लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं कि आप इसका वेट कर रहे हैं, अभी भी आपको क्लोजर चाहिए लेकिन आप शो नहीं कर रहे, आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा ये परेशान है। मून हाई प्रिस्टेस एंड स्टॉकिंग एनर्जी है, आप भी, आपकी तरफ से भी स्टॉक किया जा रहा है और इसकी तरफ से भी स्टॉक किया जा रहा है, स्टॉकिंग, हाईली स्टॉकिंग एनर्जी है, और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पावर में हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अब ऐसे आपकी जो वेटिंग एनर्जी है ना, आप शो नहीं करते। ठीक है, अगर आपको वेट भी है तो अपनी पावर में बरकरार है, अपनी पावर में कायम है। ठीक है, आप इमोशनली वनरेबल किसी के सामने फील नहीं करना चाहते। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आप किसी के सामने भी वनरेबल अपनी एनर्जी किसी को दिखाएं,
आप एक पावर में हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि जिसको भी आना है वो आपकी तरफ आए, जिसको भी आना है आपको अप्रोच करें, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत वो एक ऐसे इमोशंस फील कर रहे हैं जो आपने सिर्फ दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। अब अपनी सेल्फ, आप एक इतना अपनी सेल्फ फोकस अब हुए हैं, ठीक है। अपनी सेल्फ को आप काम करते हुए, अपने आप को आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप झुकना नहीं चाहते, अब आप किसी की तरफ जाना नहीं चाहते। अब ये है बर्डन सम सिचुएशन में, ठीक है। आपकी खामोशी और बर्डन सम कर रही है, चाहे बैक ऑफ द स्टोरी आपके माइंड में चल रहा है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, अभी भी क्लोजर चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको ट्रुथ पता चले, आप चाहते हैं कि आपको सच पता चले, ठीक है। आपको अभी भी इस बात का है कि पता चल जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, देखते हैं कुछ आगे की तरफ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। अभी भी आप ये बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये बात है कि आप फोकस अपनी सेल्फ को ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं और शो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे कि अब आप जाना भी है या नहीं, ताकि ये पर्सन लूज़ करने से, इस कनेक्शन को लॉस करने से डरे। जो फियर आप में था ना, आप चाहते हैं वो फियर इस पर्सन के दिल में आए, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को थोड़ा सा होश आए कि भाई आप कर क्या रहे हो, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको जो देना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ सोर्ड्स, मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस। और यहाँ पे देखें अट्रैक्शन है, पैशन है, बिगनिंग चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन मेंटली ब्लॉकेजेस है, ठीक है। इसको आपके साथ मैरिज करनी है, ये चाहता है कि आपके साथ मैरिज करे, ये चाहता है आपके साथ कमिटेड हो, ये यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है इस कमिटमेंट को, इस मैरिज को, इस न्यू बिगनिंग को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसके माइंड में चल रहा है कि इसका दिल आपके लिए, मतलब कि दिल इसका चाह रहा है आपके साथ कनेक्ट करने को, आपकी तरफ अट्रैक्शन को, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। वही बात है, फिर चाह रहा है आप आएँ, आप एफर्ट डालें, आप इस वक्त एफर्ट लेने के उसमें हैं, आप एफर्ट देने के किसी के उस सिचुएशन में नहीं है। ये बात ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, मेंटली स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को स्टक और ब्लॉकेजेस समझ रहा है। अगर सोच रहा है मैंने एक्शन लिया तो ये होगा, अगर मैंने एक्शन लिया तो वो होगा, आप ये सवाल भी करेंगे, आप वो सवाल भी करेंगे, वो भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये सब चल रहा है, ठीक है। देखिए क्लैरिटी है, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड, क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, क्लियर है बिल्कुल। पास में पता है कि इसने आपको रिजेक्ट किया है, इसका ये भी इसका प्रॉब्लम है, आपकी तरफ ब्लॉकेजेस इस वक्त जो फील कर रहा है ना, इसने आपके इमोशंस को इसने रिजेक्ट किया है, कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। इस वक्त आपके लिए डीपली इमोशंस फील कर रहा है, आपकी तरफ रश करना चाहता है, लेकिन आपको शो ये कर रहा है कि मैं रशिंग एनर्जी में नहीं हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं, आप भी एक डिप्लोमेसी से काम कर रहे हैं, आप भी यही शो कर रहे हैं कि मैं रशिंग एनर्जी में नहीं हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, या मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कहीं भी अपनी जो भी मेरी जगह है, मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कोई लेवल है, ठीक है। आप इस वक्त ये शो कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड के साथ यहाँ पर पास्ट में आप चाहते थे इस पर्सन के साथ आप मतलब के दुनिया घूमें, आप इस पर्सन के साथ एक आपका एक कनेक्शन हो, आप लोग हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन को अपने दिल के करीब मानते थे, इस वक्त ये दिल के करीब मान रहा है। आप लोग के बीच डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट के थ्रू हो रही है। एक साल से तो बिल्कुल आप लोग के एक मीटअप वाला सीन बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, जो पहले आप लोग मिल लिया करते थे या कम्युनिकेशन हो जाती थी, आपका एक्सीडेंटली आप लोग का मीटअप हो जाया करता, तो ऐसा ही मुझे ब्लॉकेजेस लग रही हैं। पता है क्या अभी क्या हो रहा है, इस पर्सन ने आपको साथ वो जो किया है ना, वो इसके लिए हावी हो रहा है। अपने जब एक्शन लेने की बात आ रही है, अपना जब रियलाइजेशन, इसका दिल आपके लिए, इनके दिल की जो फीलिंग्स है ना, वो दिल कर रहा है, उनके दिल में आपके लिए एक जैसे एम्पैथी, इनका दे फील एम्पैथी विदाउट यू, एक वो वाली एनर्जी है। देखें कितनी पावरफुल एनर्जी में आप इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, मैस्मराइज कर रही है ये पावर, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन दे रही है, बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली आपके अंदर एक जैसे पैशन, लविंग, केयरिंग, जैसे एक इंसान किसी ज़बरदस्त चीज़ को देख के अट्रैक्ट होता है, यार ये पर्सनालिटी है, ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए, वो वाली पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी, ठीक है। अभी क्या है, देखिए रिवर्स, ये जो है ना अप्राइड आ रहा है, ये क्या, ये रिवर्स था, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन अब चाह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। अब आपको अपनी लाइफ में जाने से रोकना है, यहाँ पे जो आपके इमोशंस रिवर्स हो रहे थे ना, अभी चाह रहा है ये अप्राइड हो जाए, आप इमोशनली इस पर्सन को समझें, जो आप पास्ट में कर रहे थे, या चाह रहा है अब आप प्रेजेंट में भी ऐसा ही करें,
पास में चाह रहा था आप इससे दूर हो जाएं, पास में चाह रहा था आपके इमोशंस की इसको नीड नहीं है, इसको नीड है अपनी अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, यहाँ पर इसको इसको मटेरियलिस्टिक पार्टनर चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा अपना अर्न करता हो, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी हो, जो बहुत ज़्यादा जॉब और वो वाली पर्सनैलिटी हो। इमोशंस की इसको नीड नहीं है इस वक्त, जो नीड है इसको अपनी सक्सेस की नीड है, एक कम एक जो है ना पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप वाला पार्टनर चाहिए जो बिजनेस कर सके, जो काम कर सके। इस उस टाइम आप इसको इमोशंस प्रोवाइड कर रहे थे, अब आप क्या, अब एक बोल्ड एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी में, जो ये पास में चाह रहा था वो इस टाइम एनर्जी में आप, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी को इसने पास में क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस कर लिया, उनको बहुत देकर देख लिया। यहाँ पे पेज ऑफ उसको पेज ऑफ पैंटिकल को स्लो बट श्योरली, ये आप जो है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी जो इसके ऊपर रश करने की पावर थी ना, आप दूर से बैठकर अपना लव, अपने इमोशन, अपने आप को जो है ना कंट्रोल करना सीख चुके हैं, ठीक है। ये जितना स्लो है ना, तो आपने भी अपने आप को स्लो कर लिया है, आपने भी एक्शंस को अपने रोक दिया है, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी अपने एक्शंस में। आप तो चाहते हैं टू ऑफ कप्स, सक्सेस भी चाहते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स की तरह आप सक्सेसफुल, लेकिन आप चाहते हैं बैलेंस। जब बैलेंस होगा कनेक्शन इस पर्सन की तरफ से, तब सक्सेस आएगी। आपको ये माइंड आपका सेट हो चुका है, इसलिए आपकी जितनी इमोशंस थे, जितनी केयर, लव, आपका जो अफेक्शन, आप जो चाहते थे ना, फौरन आप इसको रश करते थे इसके ऊपर, आपने खुद को जो ना काम काम कर लिया, ठीक है, आपने खुद को कर लिया बस, ठीक है। जितना एक्शन लेना था, जितना आपने इसको मनाना था, जितना आपने इसके लिए ट्रायल करना था, वो आपने सब कुछ करके देख लिया। अब आपको ऐसा लगता है नहीं, अब आपका काम खत्म, अब आपका काम है अपनी सेल्फ का। अब जो आप सेल्फ फोकस कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये इम्पैक्ट है आपके सेल्फ फोकस का, इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को कम्प्लीटली इंटरेस्टेड है आपके अंदर, जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ को आप बना रहे हैं, जिस तरीके से आप एक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या सोच रहे हैं यार, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। देखिए आगे तो ये भी बढ़ रहा है, जगल कर रहा है, क्या कर रही है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं छोड़ रहा इसके दिल में, पता है क्या चल रहा है, ये कोई बहुत मिस अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो जाएगी, कुछ टाइम बाद और डिस्टेंस आई है तो मैं इसको खो तो नहीं दूंगा, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी, क्या मैं यहाँ से निकल कर ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से जाकर सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मतलब कि अब ये पता है क्या इसको क्या, जिसको ये समझा था यार कुछ भी नहीं है, ये जो है ना मुझे इससे बेहतर और चीज़ें मिल सकती, तो वो चीज़ें जो है ना ऐसी नहीं है। टेम्परेंस के साथ एक बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, है नाइट ऑफ सूट के साथ एक रशिंग एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए पर्सन अब रश करना चाहता है, इमोशनली बैलेंस बनाने के लिए ये चाहता है कि एक्शन लेना चाहिए। अब इसके दिल में क्या, जो आपने खुद को जो काम कर लिया ना, अब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रशिंग वाली हो रही है, ये सोच रहा है कुछ टाइम बाद अगर इसने एक्शन नहीं लिया, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ये कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ये कनेक्शन एक एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको ये समझ में आ रहा है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे जो नाइन ऑफ सोट की एनर्जी है ना, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई है, थर्ड सिचुएशन की वजह से आई, ये किसी इसने किसी टॉक्सिक पार्टनर को एंटरटेन किया है, आई एम श्योर इसने किसी टॉक्सिसिटी को एंटरटेन किया है, यहाँ पर इसने किसी और को वर्थ दी है, जो इस वक्त जिस वक्त इस ये जिस पोजीशन में था, ये देखें यहाँ पे जो होल्ड बैक कर रहा है, ये तभी चाह रहा है कि आप आ जाएं, ठीक है, ये किसी टॉक्सिसिटी को एंटरटेन कर रहा था यहाँ पर, ये आपको ये देखें जाने से रोकना चाह रहा है, इमोशंस इसके पास हैं, ये होल्ड बैक इसलिए कर रहा है, अगर ये खुद से आया तो आप क्लैरिटी मांगेंगे, वो कौन है, ठीक है, वो फला पर्सन कौन है, या तो किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, किसकी वजह से ये कनेक्शन में ये सब स्लीपलेस नाइट डिसेप्टिविटी हो रही थी, वो कौन है, इमोशंस फील कर रहा है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, फूल की एनर्जी से रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, एक 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 जो है ना एक एक रिस्क टेकिंग करके देखना चाह रहा है कि क्या करे, लेकिन क्या इसको इसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ डरा रही है, आपका अनइमोशनल होना इसकी तरफ, ठीक है। और इसका यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पता है ये जो कुछ भी हो रहा था, जो स्टकनेस थी, जो होल्ड बैक कर रहा था, कोई थर्ड पर्सन था, कोई थर्ड इशू था, कोई थर्ड पर्सन को वैल्यू दे रहा था, मसला ये नहीं है, इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, थर्ड पार्टी क्रिएट करी तो करी, इसने वो रिस्पेक्ट ख़त्म करी, बार बार आपको जब ज़रूरत थी या आपकी लाइफ में कभी भी नहीं था, इसने जैसे आपको इसने वो वर्ड नहीं दी, एक रिस्पेक्ट होती है ना, चले भले दस थर्ड पार्टी इंटरटेन करता, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ जिस तरीके का आपका नेचर है ऐसे तो डील करता आपके साथ, इसने मिसबिहेवियर करा, इसको पता क्या लगा था कि आप इसके कांटा हैं, एक आप इसके रुकावट बने हुए, ये थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे तो थर्ड पार्टी को फोकस करेगा, आप इसके लिए क्या वर्थ रखते हैं, आप तो एक नॉनसेंस से इंसान है, नॉनसेंस से पर्सन है, जो इसके पीछे लग रहे हैं इमोशंस लेकर, आप तो सिर्फ मतलब कि ये नहीं चाह रहा फिर भी आप इसके पीछे हैं, फूल यहाँ पर अब चाह रहा है ये बिगनिंग करना, ठीक है, ये फूल वेट कर रहा है आपके कोई लीप ऑफ फेथ लेने का इसकी तरफ, ठीक है,
मैंने कहा ना, बार बार वेट कर रहा है, टॉक्सिसिटी, डबल डबलिश एनर्जी, अभी भी क्या कर रहा है, मैनुपलेशन, फूल एंड मैनुपलेशन एंड सेवन ऑफ कप्स। ये आपके देखें इमोशंस, आपके जो आप जो यहाँ पर एट ऑफ कप्स पहले आया था अपराइट, यहाँ पर आप निकल रहे हैं अपने इमोशंस लेकर, ये चाह रहा है ये रिवर्स हो जाए, ये आपको रोक ले। अगर आप आएंगे तो आप रुक जाएंगे, अगर ये आपकी तरफ आएगा तो ये भी कोई मतलब किसकी भी कोई प्रॉमिस नहीं मिलता कि आप नहीं जाएंगे इस कनेक्शन से, मतलब कि अगर ये आ भी जाता है तो फिर भी तय हो सकता है कि आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिस्क टेकिंग करते हैं, अगर ये आपको मैनिपुलेट करके एक दफ़ा बुला रहता है, तो इसका मतलब ये, तो आप टिकेंगे, आप रुकेंगे अपने इमोशंस के साथ रुकेंगे। अगर इमोशंस के साथ भी नहीं रुके तो आप एक रहेगा कि कंसिस्टेंसी आप बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप खुद से आएंगे तो। आप इस वक्त हैं एम्प्रेस की पावर में, ठीक है। एम्प्रेस क्या, एम्प्रेस आप अपने, अब जब आप किसी को, आप एम्प्रेस ही ऐसी होती है जब किसी को परफेक्शन लव देती है तो बहुत परफेक्ट कर देती है सामने वाले पर्सन को, वो अफेक्शन इसके ऊपर पड़ रहा था, आप एम्प्रेस इसके लिए थे। अब इस टाइम फ्रेम पे आप एम्प्रेस खुद के लिए हैं, आप खुद को परफेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को परफेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं। जो लव और केयर आप इसको देते थे वो अपनी ज़ात को दे रहे हैं, वो अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये करे ना करे आप अपनी इज्जत कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये करे ना करे, आपको समझे ना समझे, आप वो कर रहे हैं जो आपको अंदर से, आपको अंदर से रोशनी दे, जो अंदर से आपको रिस्पेक्टेबल फील कराए। अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है, ठीक है। आप अपनी, ये नहीं कह रही आप वहाँ हर उस जगह को छोड़ेंगे जहाँ आपकी इज्जत नहीं है, आपकी पूरी होल लाइफ ले लें, जहाँ जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी आप उधर से निकलते जाएंगे, इमोशनली डिटैच होते जाएंगे, चाहे वो आपके कितने ही करीबी रिश्ते क्यों ना हो, क्या है, चाहे वो आपके क्या नाम है सिबलिंग्स, चाहे वो आपके पेरेंट्स, चाहे वो आपके करीबी करीबी तरीन रिश्ते क्यों ना, आप क्या करेंगे, वॉक अवे करेंगे। ऐसे ही इस पर्सन के साथ हो रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ के लिए आपकी एम्प्रेस वाली जो एनर्जी है ना वो कह रही है खुद को नर्चर करो, खुद को नर्चर करो। आपने इसको नर्चर किया, क्या बना दिया आपने इसकी लाइफ में, जब आप इंटर करें तब ये कुछ भी नहीं था, इसकी पावर इतनी नहीं थी, आपने इसको हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। यहाँ पे है सिक्स ऑफ सूट, ये चाहता है इस बर्डन से निकले, ये कामन ऑटो की तरफ जाए, इसके लिए आपका निकलना, आपका इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे करना, इसके लिए बर्डन समय सिक्स ऑफ सूट के साथ चाहता है कामन ऑटो की तरफ मूव करना। देखें टेन ऑफ कप्स ड्रीम है आप इसका, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कामन ऑटो की तरफ निकले, ये जब से आपने इस कनेक्शन का बर्डन अपने ऊपर से उतारा है इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। वो वजन, वो भार, वो इसके ऊपर है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप लोगों की बिल्कुल रिवर्स से, और यहाँ पर ये चाहता है आप कम्युनिकेशन करें, इमोशनली कम्युनिकेशन करने इसके साथ। आप यहाँ पर टेन ऑफ कप्स के बारे में सोचें, आप साइलेंट मत रहें, बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है ये, आपकी जो एक जो एक जो आपकी सीक्रेसी है ना, जो उसको सीक्रेट होना आपकी, बहुत ज़्यादा इसको मेस्मराइज कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन वाली पावर आ रही है, लेकिन आप जो कोल्ड और डिटैच घबरा रही है आपसे कम्युनिकेट करने पर घबरा रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है कि आप ऐसा सवाल करेंगे ये आपको जवाब नहीं दे पाएगा, आप ऐसी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ये आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं बना पाएगा, आपका वैसे भी कम्युनिकेशन में जवाब नहीं, ठीक है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो एक वन टू वन होके करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होती है आपकी तरफ से, आपकी कम्युनिकेशन से ये अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता आप इसको, क्योंकि आप एक वैसे भी राइट पर हैं, जो आप बात करेंगे सच करेंगे और बिल्कुल ट्रुथ बेसिस पे करेंगे, और फिर सच भी मांगेंगे, सच देंगे तो सच की डिमांड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, अपने दिल में क्या है उनके, ठीक है। वैसे एक ऐसी वाली फीलिंग से आप नहीं है ना, फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहा है, ठीक है। एक इम्पिटीनेस है, एक खालीपन है। देखिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, बहुत पेशेंस, मैंने कहा ना बहुत सब्र का मुजाहरा कर रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग। ये आप पेशेंस एंड प्लानिंग क्या है, आपके इन आपके एक्शन लेने का वेट है, ये सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, आपके एक्शन लेने का, आपके लीप ऑफ फिथ लेने का वेट है। और आप क्या हैं, आप भी पेशेंस और प्लानिंग, आपके अंदर ही पेशेंस नहीं था बहुत ज़्यादा, अब चूज़ वॉइस लिया, आप बहुत समझदारी से चूज़ करेंगे अपना रास्ता, अपने डिसीजन मेकिंग, आपका आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा वाइसली होगी, अब बहुत ज़्यादा वाइस डिसीजन मेकर बन चुके हैं। अब आप रश और हरी ये वाले काम नहीं करते, आप रशिंग एनर्जी में नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहते, अब आप सोच समझ कर एक्शन लेते हैं जो आपकी ज़ात के लिए, जो आपके फ्यूचर की कंपैटिबल एक बैलेंस कनेक्शन हो, ठीक है। एक बैलेंस कनेक्शन रहे, होप, ये आप होपफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर, ये मिले ना मिले आपकी लाइफ में होप है, आप पता है आप यूनिवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, आप डिवाइन पे डिपेंड कर रहे हैं, डिवाइन ने ये नहीं तो, जब इतना करेज आपके अंदर आया है, जब आपने पर्सन की सच्चाई को देखना स्टार्ट किया तो ये भी करेज आपके अंदर है, ठीक है। ये देख पा रहा है, ये आपके अंदर का सब्र देख पा रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग वाइस पावर को देख पा रहा है, आप कैसे होपफुल हो गए, कैसे आप जो आप इसके ऊपर डिपेंड करते थे कैसे इंडिपेंडेंट होकर आप होपफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर। ये सब कुछ ये नोट कर रहा है, समझ समझे, ये कुछ भी नोट नहीं कर रहा है, इसका ये सब नोट कर रहा है।
आप कम्प्लीटली यूनिवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है। फर्टिलिटी, यहाँ पर आपका आपको हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपका हार्ट चक्र यहाँ पर आप हर्ट होने की वजह से बार बार एक तकलीफ़ में आने की वजह से यूनिवर्स ने जो आपको यहाँ पर इस पर्सन से ट्रिगर दिया है ना, वो आपके हार्ट के ऊपर नागवार है, ठीक है। थ्रोट चक्र, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। प्रॉस्पैरिटी बिगिन, यहाँ पर कोई प्रॉस्पैरिटी पे काम करना चाहता है, ये स्टेबल किसी पे काम करना चाहता है, स्टेबिलिटी पे, और ये हार्ट चक्र से आपकी फीलिंग्स फील कर पा रहा है, ठीक है। अब जेन्युइन फीलिंग फील कर पा रहा है, तभी थ्रोट चक्र इसका ओपन हो रहा है आपके लिए, बाकी सबके लिए इसका थ्रोट चक्र ओपन था, आपके लिए ब्लॉक था, अब आपके लिए ओपन होने जा रहा है इसका थ्रोट चक्र, प्रॉस्पैरिटी। लेकिन इसके इसका जो हार्ट काम कर रहा है ना, हार्ट चक्र खुल रहा है, तभी थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, अब ये करना चाहता है प्रॉस्पैरिटी पे काम। कॉन्फ्लिक्टेड, इसका बहुत ज़्यादा डिफीट एंड कॉन्फ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। आप ये मत सोचें कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, आपकी ये खामोशी इसको कॉन्फ्लिक्टेड कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लव बिगिन, आप अपनी लाइफ में लव बिगिंस कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप लव चाहते हैं, अपनी अपनी लाइफ में आप लव को प्रिफेयर कर रहे हैं, आप चूज़ लव को करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी होप पॉजिटिविटी की तरफ है। जहाँ पॉजिटिविटी की थी, मैंने क्या कहा, आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आप उस चीज़ को चूज़ करेंगे जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ आपको होप दिखेगी, हाँ मुझे बराबरी का रिश्ता मिलेगा, मुझे मुझे एक बैलेंस मिलेगा, आप वहाँ करेंगे। ट्रुथ, आप ट्रुथ देखना देख रहे हैं, ये पर्सन भी अपने दिल का सच देख रहा है। अगर आप ट्रुथ देख रहे हैं तो ये भी सच देख रहा है, ये देख रहा है इसकी लाइफ में आपका होना कितना ज़रूरी है, कितनी एम्प्टी लाइफ है, ठीक है। बिल्कुल एक एम्प्टीनेस है विदाउट यू, बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल कम्प्लीटली यूनिवर्स इसका थ्रू चक्र ओपन कर रहे हैं, इसको सच्चाई दिखा रहे हैं। तुम दिल में देखो अपने, तुम्हारे दिल में क्या है इस इंसान के लिए, चेक करो तुम दिल को जाकर अपने, ठीक है। यहाँ पर ये मटेरियलिस्टिक अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल और बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ 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 बहुत ज़्यादा प्योर आपके लिए आने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा अब जिसमें अंदर जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी भी दिखेगी, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी दिखेगा इस पर्सन का। देखिए डिस्ट्रप्शन, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। टेम्पटेशन, यहाँ पे दूसरी दफ़ा डेवल का कार्ड है, एक टेम्पटेशन का कार्ड है, मतलब कि टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा, एक ऑब्सेसिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। बैलेंस, आपको कहा जा रहा है अपने बैलेंस को बना के रखें, ठीक है। कुछ भी हो रहा है बैलेंस में रहें आप। यहाँ पर वेटिंग गेम, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, यूनिवर्स का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल है। जब तक ये ओपन अप करेगा, जब तक आपका यहाँ पर आपको इनर वर्क हीलिंग वर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसको चूज़ करना है कि नहीं, हम फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप पूरे पूरे हील होते जा रहे हैं ना, आपकी एक आई ओपनिंग टाइम है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इसको लेकर बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है। आपकी सोल आपसे कम्युनिकेट कर रही है इन सब चीज़ों पे, आपकी सोल आपसे बात कर रही है, मतलब कि आपकी सोल आपकी रियलिटी देख रही है, पॉजिटिविटी देखना चाह रही है और सच देखना चाह रही है। सच आपकी आँखें भी देख रही हैं, सोल भी देख रही है, आपका दिल भी देख रहा है। अब क्या आप रो नहीं रहे, तड़प नहीं रहे, आप वेट कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही वेट नहीं कर रहे, वेट करना छोड़ दिया, वेटिंग एनर्जी है, लेकिन ये शो नहीं कर रहे आप, इस ऐसी एनर्जी नहीं है जैसे अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट वाला वेट नहीं है। देखिए यूनिवर्स कर रहा है अपनी सोल सोल को सुने, आपकी सोल वॉइस से आपकी सोल कुछ कहना चाहती है, अपनी सोल की आवाज़ सुने, सोल आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्सपेंशन, अपनी अपनी जो आपकी आपकी जो लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, आप उसको देखें, आप उसको प्रायोरिटी दें। अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपकी नहीं थी, आप उनको क्रिएटिव वर्क में लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बहुत फुलफिलमेंट आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फुलफिलमेंट की तरह आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए शाइनिंग, आपकी लाइफ में एक शाइन, ब्राइटनेस, लाइट, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, एक पॉजिटिविटी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस आने वाली है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी किस चीज़ में ढूंढ रहे हैं, इस पर्सन में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं या अपनी सोल की प्योरिटी में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं या अपनी अपने आप को फुलफिल करने में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। आप हमेशा इसको, आप याद करिएगा, आप हमेशा इसको क्या करते थे, इतना सेटिस्फाई करते थे, इतना हैप्पी रखने की आपकी कंप्लीट कोशिश रहती थी। यहाँ पर है, देखें जितना भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो डिवाइन पे छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन पे आप रिलाई करें, डिवाइन पे छोड़ दें, डिवाइन आपके लिए है, डिवाइन आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपको बार बार गाइड कर रहा है, आपके एंसेस्टर आपके पीछे हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक टाइम है आपकी लाइफ का, लेकिन यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें देखिए अभी अभी भी वही हो रही थी, जो होना था वही हो रहा था, आगे भी वही होगा जो होना है, आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर रिलैक्स रहें,
यहाँ पे रिलैक्स रहें और अपने क्रिएटिव वर्क करते रहें, कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें, चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। वेटिंग गेम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं, स्लोली बट श्योरली एक अलाइंड हो रही हैं, अलाइनमेंट आ रही है, जैसे कड़ी से गड़ी जुड़ रही है। आपको कहा जा रहा है अपनी सोल सर्चिंग करें, अपनी सोल की आवाज़ सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने। सोल आपसे कुछ कहना चाहती है, आपकी कनेक्शन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके अंदर आप एक इवॉल्व सोल हैं, बहुत हायर लेवल ऑफ सोल हैं, आप कनेक्टेड सोल हैं, ठीक है। आपको यहाँ इसलिए दिया गया, इस रीडिंग को यहीं पर रख दो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी।